नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चोटिल हो गई हैं। टीएमसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी दी है। टीएमसी ने लिखा कि हमारी चेयरपर्सन को गंभीर चोट आई है और उनके लिए दुआ कीजिए। सीएम ममता की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें उनके माथे से खून निकलता दिख रहा है। उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, ममता बनर्जी चोटिल हो गई हैं। टीएमसी ने अपने हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में सीएम ममता बनर्जी को भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी अपने घर पर ट्रेडमिल कर रही थी, इस दौरान वो गिर गईं। इसके बाद अभिषेक बनर्जी उन्हें अस्पताल लेकर गए। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी इससे पहले भी हादसे का शिकार हो चुकी हैं। इसी साल जनवरी में वो सड़क हादसे का शिकार हो गई थी, उस दौरान वो बर्धमान से कोलकाता वापस लौट रही थी। सूत्रों के मुताबिक बारिश की वजह से ममता बनर्जी की कार वापस लौट रही थी। इसी दौरान धुंध की वजह से कार के ब्रेक लगाने के दौरान ममता बनर्जी के सिर पर हल्की चोट लगी थी। बताया जाता है कि ममता बनर्जी के काफिले में एक अन्य कार के आने से ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा और उनके सिर पर उस वक्त भी चोट लग गई थी। और इस बार फिर ममता बनर्जी को चोट लग गई है और बताया जाता है कि वो अपने घर पर ट्रेडमिल करते समय गिर गई हैं। इस वक्त कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में सीएम ममता बनर्जी का इलाज चल रहा है। उनके साथ अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के कुछ और नेता भी शामिल हैं। और टीएमसी ने लिखा है कि हमारी चेयरपर्सन को गंभीर चोट आई है, उनके लिए दुआ कीजिए। सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर भी सामने आई है जिसमें उनके माथे से खून निकलता हुआ दिख रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, सीएम ममता बनर्जी चोटिल, उनके माथे पर चोट लगी है और उनके माथे से खून निकलता तस्वीर में नजर आ रहा है।